तो नाइन्थ क्लास के बच्चे और उनके साथ जो कंपटेटिव स्टूडेंट्स हैं वह सभी लड़के चलिए आप लोग तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। तो मैं सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज फिर मैंने फिजिक्स की क्लास लेकर के आए हैं क्योंकि आपका रूटीन के अनुसार फिजिक्स है, ठीक है, इसलिए फिजिक्स की क्लास को हम उन्हें लेकर के आए हूँ। और आप लोग का जो टॉपिक चल रहा था और टॉपिक को पहले आप निकाल लीजिए। तो चलिए नाइन्थ के स्टूडेंट से आप लोग को बता रहे थे हमने, यानी चैप्टर का नाम था कार्य ऊर्जा शक्ति। क्या नाम था? कार्य ऊर्जा शक्ति। तो कार्य ऊर्जा शक्ति में तुम लोग हमने जो कल की क्लास में बता रहे थे वह कार्य के बारे में भी आप लोग के पूरी बता बात कर दिए। चलिए आप लोग देखा ऊर्जा की बात भी आप लोगों से हमने कर लिया और अंत में हमने शक्ति की बात आप लोगों से कर रहे थे। तो कल हमने बताए थे कि देखिए शक्ति में दो शक्ति बोले जाते हैं, एक यांत्रिक शक्ति होता है और एक विद्युतीय शक्ति होता है। कौन कौन शक्ति? यांत्रिक शक्ति और विद्युतीय शक्ति है, समझिएगा। अब दोनों के हमने कल बता रहे थे शक्ति का मतलब कि अगर वो सजीव हो या निर्जीव हो, अगर समय के साथ वो कार्य करता है तो उसके इस कार्य की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ये बात है ना? चलिए शक्ति के बारे में हमने कहा था कि शक्ति बोल तो रहे हो लेकिन आगे में छिपा हुआ एक वर्ड है यांत्रिक शक्ति। कौन शक्ति है? यांत्रिक शक्ति है। और यांत्रिक शक्ति बराबर यही बताए थे कि अभिकर्ता द्वारा किया गया कार्य और कार्य करने में लगा समय, ठीक है, कार्य करने में लगा समय। यही दो चीजें हमें बताओ कि शक्ति को माप रहे थे पहले नहीं, तो ये जो शक्ति है इसको हम लोग यांत्रिक शक्ति करके जिसका मात्रक के रूप में तुम लोग को हमने देखे लाए थे वाट। क्या लाए था? बोले थे कि शक्ति का ये सारे मात्रक पिलर बोलते हैं तो बोलेंगे क्या जी? एक वाट। अब यहाँ पर एक वाट का मतलब कि हमने बतलाया कि याद होगा कि एक जो वाट होता है, ठीक ना, और समझे बताए थे कि एक जूल यानी प्रति सेकंड के बराबर हुआ था। कितना के बराबर हो गया था जी? एक जूल प्रति सेकंड। ये बताया था ना? ये हो गया जूल में और ये हो गया सेकंड में, तो जूल प्रति सेकंड। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी अभिकर्ता, समझिएगा, अगर किसी अभिकर्ता के द्वारा प्रति एकांक समय में माने प्रति एक सेकंड में अगर एक जूल ऊर्जा काम होता है, कितना? एक जूल काम होता है, तो उस अभिकर्ता की शक्ति को एक वाट कहा जाता है। पास में यह समझते हैं? यहाँ एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकंड। जैसे कि मान लेते हैं आपसे पूछा कि बताओ कि ट्रेन की शक्ति कितना है, या बोले कि चलो कि ट्रक की शक्ति कितना है, पावर कितना है, तो एक ट्रक का पावर कितना है, या किसी लड़का ने कोई कार्य किया हमने बोला कि उसका शक्ति कितना है और आपने बोला कि सर उस लड़का की शक्ति यानी कि मान लेते हैं तो बोले 50 वाट है। अब बताओ तो 50 वाट तुमने बोल तो दिया, अब एक वाट का अर्थ समझोगे तब न? सोचिए, आप बोल दिया कि एक मार्टिन 50 केजी का लड़का है, आप पृथ्वी की सतह से देखे गुरुत्वल का विरोध है, वह काम करते 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 मानते हैं कि चलो एक मिनट में या दो मिनट में छत पर चल गया, तो बताओ कि दो मिनट में लड़का कार्य किया कि नहीं किया? अब हम कहें कि लड़का 50 केजी का शरीर है और उसको लेकर के बताओ छत पर चल गया तो कार्य नहीं किया? किया। अब तुमसे हम बोले कि बताओ उस आदमी का शक्ति कितना है, आपने कितना कहेगा? आपने कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बोला कि 40 वाट है सर। अब 40 वाट है और वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है,
बताओ उसको कैसे समझाओगे, समझाओगे ना। तो यहाँ पर यही समझाना है कि मन किसी अभिकर्ता के द्वारा लिखेंगे, यानी किसी अभिकर्ता कर्ता के द्वारा, ठीक है, यानी प्रति यानी एकांक समय या प्रति एकांक सेकेंड, एक सेकेंड में यदि, ठीक है, एक जूल कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो बोलते हैं कि उस अभिकर्ता यानी करने वाला, ठीक है, उस अभिकर्ता की शक्ति को यानी शक्ति को यानी एक वाट कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? अब कोई आदमी कहे कि एक वाट काट दिया, इसका मतलब क्या हुआ जी? तो यहाँ देखिए अभिकर्ता की शक्ति अगर पूछता है तो इसका मतलब ये हुआ। बात समझिए, अब देखिए होता क्या है कि अब मशीन बने रहता है, जैसे अब इसी में देखिए अगर मान लेंगे और ज्यादा काट हो गया तो वहां पर आप लेते हैं कि अगर मानते हैं 1000 वाट हो गया, अब 1000 वाट से भी आगे बढ़ने हैं तो एसी को हम लोग बोलते हैं 1 किलो वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, kW का मतलब क्या हो गया, यानी किलो वाट हो गया, ठीक है। तो 1000 वाट का देगा एक मतलब समझ आया कि 1 किलो वाट है, ठीक है। इसी तरह से मानते हैं कि आपने 10 के पावर 3 है और ऐसे 10 के पावर 6 कर दिया कि 10 के पावर 6 वाट है, एक मतलब कि 1 मेगावाट है, कितना वाट है, 1 मेगावाट, ठीक है। जब 10 के पावर 6 कर दिया, ये हो गया 10 के पावर 3 और 10 के पावर 6, तो वहां पर किलो वाट के जगह बोलना है मेगावाट। कौन सी बोलना है? जैसे कहा कि मानते 3 0 ए है, 3 0 और दे दिया और इतने का कितना वाट, तब आप फिर से बोलिएगा कि यहाँ पर एम डब्लू कहने का मतलब हो गया यानी मेगावाट। कौन सी बोलिएगा? हाँ, मेगावाट बोलिएगा, ठीक है। लेकिन जितना जब दोनों का घर में मशीन आता है मोटर वगैरह तो उसका शक्ति जो है फिर वाट में नहीं मांगता है। देखता है किसान घर के बच्चे आप लोग हैं, आप लोग के पास डीजल इंजन आता है तब बोलता है कि मैंने आपका मशीन का शक्ति कितना है, तब बोलता है कि 5 HP है, मैंने 5 horsepower बोलते हो, 10 horsepower बोलते हो, 50 horsepower बोल रहे हो, इसका मतलब हो गया। अगर सोचेगा कि यहाँ पहले जमाने की बात है कि किसी भी मशीन की शक्ति की अगर तुलना की जाती थी तो घोड़ा से किया जाता था, इसलिए कि जानवरों में सबसे फास्ट और सबसे एक्टिव तरीके जानवर होता है, बताओ घोड़ा होता है। बताओ आप लोग टीवी में देखा करते हो, सीरियल देखा करते हो, तो बताओ लड़ाई में युद्ध में बताओ हाथी को लोग लेकर जाते थे कि घोड़ा लेकर जाते थे? बोलिए, आज भी देखा करता है फिल्म वगैरह में, तो बताओ हाथी का प्रयोग लोग कर रहा है कि घोड़ा का कर रहा है? मतलब मशीनों की शक्ति की तुलना की जाती थी, और इसलिए वहां पर अश्व यानी घोड़ा को आज भी याद किया जाता है। तो यहां पर याद करेंगे कि मशीन जो होता है, ठीक है, यानी मशीनों की जो शक्ति होती है, ठीक है, यानी शक्ति को यानी देखिए हॉर्स पावर क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HP, ठीक है, और हिंदी में इसी को कहता है अश्व शक्ति। क्या बोलता है? अश्व शक्ति, शक्ति में व्यक्त किया जाता है। कौन सी में व्यक्त करते हैं? अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। किसका किया जाता है? हाँ, मशीनों को किया जाता है। जैसे कि आपके पास मोटरसाइकिल है, उस
का मतलब ये 746 वाट के बराबर होता है। समझिए अब इसी हिसाब से अगर आपको दिया कि चलो मेरा मशीन था 5 हॉर्स पावर का है, तब 5 हॉर्स पावर या 1 हॉर्स पावर में 746 वाट हो गया, तब 5 HP में निकालना है, तब 5 से इसमें गुणा कर दीजिए तो उतना आप हमें वाट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यानी कि याद करना कि मशीन वगैरह जैसे आप लोग घर में देखता है मोटर आता है, तब मोटर आता है तो आपको बोला जाता है कि 1 KG का है, मैंने किलो वाट पूरा हुआ नहीं, लेकिन ऐसे जो डीजल इंजन है ये सब का शक्ति है, ट्रक है उसकी मशीन का शक्ति है, तो ये आप जो है आप HP में भी व्यक्त करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये जो आपका यूनिट है ये पुराना होते आ रहा है, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखें। क्या ये जो तुम्हारा बात हमें बता रहे थे वह देखिए यांत्रिक शक्ति की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हमने बताया कि चूंकि कभी कर लेकिन मैं यहाँ पर आपके द्वारा बन जाएगा यानी किया गया कार्य। समझिए किया गया जो कार्य होता है ये समझिएगा किया गया कार्य, तो कार्य में देखा गया एक हो गया वृत्तीय कार्य जो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तब गुरुत्व बल के विरुद्ध हो रहा है तब डब्लू बराबर तो बताया कि एफएस होता है, और एफ बराबर क्या कहते हैं एमजी कहते हैं। आप बिजली के सतह से उठा करके मोटर ले रहा पानी ऊपर, कोई आदमी जमीन पर से चला गया छत पर कुतुब मीनार पर चल रहा है, ठीक है मैं पटना का गोल घाट पर चल रहा है तो जमीन की सतह से ऊंचाई पर जा रहा है नहीं, तो इस हालात में डब्लू बराबर एमजी एच करते हो, तब बताओ कि यहाँ से आप कर सकते हैं कि अगर आदमी की शक्ति निकालना हो तो यहाँ से एमजी एच और बटा में क्या करते हो टी करते हो, ये समझिएगा। तो एक फॉर्मूला लेकर के न्यूटन बनेगा, जब कोई आदमी जमीन की सतह से किसी ऊंचाई तक चल रहा है या किसी वस्तु को उठाकर ले जा रहा है, तब उस स्थिति में जब यानी कि शक्ति निकालने जाएगा मैथ में तो यही फॉर्मूला दिया E बराबर MGH/T। बस समझा आप देखा जाए तो एक शक्ति तो ये आप लोग जानेंगे, लेकिन एक शक्ति होता है वह शक्ति होता है विद्युतीय शक्ति, याद रखेगा सब करते हैं, तब विद्युतीय शक्ति कहते हो तो ये शक्ति का मतलब देखिए अब अलग हो गया, विद्युतीय का मतलब समझ रहा है यानी बिजली। ठीक है, तो बताओ कि विद्युत या बिजली कहते हो तो क्या इसके पास बताओ कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है? देखा है तो पंखा बताओ स्विच ऑफ रखा, आप स्विच ऑफ है तो पंखा लेके रुका हुआ है, और जैसे स्विच को ऑन किया हमने और जैसे बताओ विद्युत धारा वहां गया, यानी जैसे विद्युत ऊर्जा वहां पर पहुंचा बताओ पंखा को तेजी से नचाने लगा कि नहीं? आप समझिए कि समय के साथ बताओ वह बिजली काट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलिए जैसे कि एग्जांपल में देखिए आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन, बताओ आज बताओ रेलवे लाइन पर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, पहले जो था भाप इंजन था डीजल इंजन था, लेकिन अब देख रहा क्या रहा है अब बिजली से ही ट्रेन चल रहे हैं, देख रहे हो ना? बताओ पटना से गया गया से धनबाद देखिए बिजली विद्युत धारा करंट को सब खींच ले जा रहा है, इसका मतलब है कि विद्युत कहते हो इसमें भी ऊर्जा होता है, एक ही समय के साथ कार्य करता है, लेकिन अब तुमसे कहता है कि बल्ब की शक्ति बताओ, कहेगा कि पंखा की शक्ति बताओ, बस फिर है तब बल्ब की शक्ति है हीटर की शक्ति है तो बताओ उपकरण तो बहुत है ना जी। तो यहाँ पर समझिए कि विद्युतीय शक्ति जब कहेगा तो यहाँ पर समझ आएगा कि विद्युत उपकरण की बात कर रहा है, बात समझ रहे हो? यानी कहता है किसी विद्युतीय उपकरण, समझिए किसी विद्युतीय उपकरण, तब विद्युतीय उपकरण का मतलब क्या समझ गया? हस बताइए, तब विद्युतीय उपकरण का मतलब हो गया कि जैसे बिजली से चलने वाला, जैसे बतलाइए यानी कहता बिजली का बल्ब, क्या कहता है बल्ब कहते हो बताइए
नहीं बोलिए पंखा कर रहे हो या किसी प्रकार से मोटर कर रहा है बिजली का मोटर विद्युत मोटर है इसी प्रकार से बताइए हीटर हो गया पंखा हो गया बल्ब हो गया या मानते हैं कि आपका टीवी हो गया ठीक है यानी कि इसी तरह से इसी को कहते हैं विद्युत उपकरण बस है ना तो कहता किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा ठीक है के द्वारा यानी प्रति एकांक समय में समझेगा प्रति एकांक समय में ठीक है एकांक समय में जितनी ठीक है जितनी विद्युत ऊर्जा का ठीक है विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया जाता है क्या किया जाता है उपभोग किया जाता है ठीक है किया जाता है ठीक है उसे ठीक है उसे उपकरण उपकरण का विद्युतीय शक्ति कहा जाता है समझिए क्या कहिएगा विद्युतीय शक्ति यानी विद्युतीय शक्ति कहते हैं समझिए तो यहां पर देखा जाए ये विद्युतीय शक्ति की बात कर रहे हैं यहां पर पहले से कर यांत्रिक शक्ति कौन शक्ति यांत्रिक शक्ति का मतलब समझ रहा है जहां पर कोई यांत्रिक बल लगाया हो तो यांत्रिक बल जैसे कि आप गेंद पर बल लगाए आप किसी बोझ को उठाने में लगा रहे हैं कोई बालक जैसे कि मिट्टी को काट रहा है तो ये सब यांत्रिक शक्ति हुआ बस रहे हो वहां पर कोई बिजली यानी करंट नहीं काम कर रहा है रहा है जैसे भी लगा के आपने मिट्टी को काट दिया कोई लड़का बोझ को उठा करके जगह से दूसरा जगह रख दिया ट्रक जो है सामान को लोड करके दूसरा जगह पहुंचा दिया क्या इसमें बिजली खपत हो रही है बोलिए क्या इसमें बिजली का मीटर उठ रहा है क्या इसमें बताओ तुम्हारे क्या बिजली विभाग से क्या मैंने आपका बिजली का बिल आ रहा है नहीं ना तो लेकिन आप अपने घर में बताइए कि जितना सारा उपकरण लगाए हुए हैं वो बताओ क्या बिना ऊर्जा के काम कर रहा है बोलिए नहीं आप बताइए पंखा चलाते हैं आप टीवी चलाते हैं तो बताओ कि टीवी के द्वारा पंखा के द्वारा अगर बिजली या विद्युत ऊर्जा अगर नहीं उपभोग किया जाता है तब फिर तुम्हारे क्या मीटर दिख रहे हो है तब घर में जो मीटर लग रहा है वो मीटर का काम समझते हो क्या बोलो तब मीटर का यही काम है तुम्हारे घर में कि आपके घर में जितना भी बिजली का उपकरण लगा हुआ है पंखा है टीवी है बल्ब है हीटर है आयरन है जो भी चीज आप काम कर रहे हैं तो जो भी उपकरण काम कर रहा है तो समझो कि उसको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए बिना ऊर्जा के काम करेगा वो बताओ आप दिन भर मोटर चला रहे हैं तो क्या बिजली की खपत कर रहा है नहीं देखा मतलब कि मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया उपभोग करना का खाना नहीं का मोटर बिजली खाएगा पंखा बिजली खाएगा खाना नहीं खाने का मतलब यहाँ कि यूज करना तो बताओ कि आपके पंखा के द्वारा एक सेकेंड में भी जितनी ऊर्जा का उपभोग किया जा रहा है यूज किया गया आपके घर में मीटर जो है उसको नाप रहा है मेजर कर रहा है बस रहे हो तो ये समझिए कि कौन सा उपकरण कितना बिजली का उपभोग करता है प्रति सेकेंड ये तुम्हारा मीटर बताएगा कौन बताएगा मीटर तब मीटर के द्वारा हम यही मापते हैं कि आपके घर में मान लें 5 पंखा है मान लें 2 वो टीवी चल रहा है या 10 वो बल्ब चल रहा है तो ये बताओ सब मिल करके बिजली यूज कर रहा है नहीं तब विद्युत ऊर्जा का यूज कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा का नहीं विद्युत ऊर्जा जो कहता है कि विद्युत धारा करें तो करंट में भी ऊर्जा है अब उसी ऊर्जा का यूज किया उपकरण तब प्रति सेकेंड कितना यूज कर रहा है तब सब बताओ पांचों पंखा चालू कर दिया तो पांचों यूज करेगा कि नहीं करेगा पांचों बल्ब जला दिया पांचों यूज करेगा कि नहीं तब प्रति सेकेंड जितना हुआ विद्युत ऊर्जा खपत करता है या यूज करता है वही उस उपकरण का शक्ति कहलाता है क्या कहलाता है
शक्ति कहलाता है, बात समझिएगा। तो ऐसी स्थिति में यही कहेगा कि विद्युतीय शक्ति का मतलब बताओ, तो विद्युतीय शक्ति का यही मतलब बता रहा है कि किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा, ठीक है, आप उपकरण में समझ ही गया आप लोग, जो बिजली से चलता है, विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, जैसे कि बल्ब है, हीटर है, पंखा है, आयरन है, आपका घर में एसी काम कर रहा है, टीवी काम कर रहा है, नहीं कूलर काम कर रहे हैं, इसका मतलब सब किसको यूज कर रहा है, विद्युत ऊर्जा का यूज कर रहा है। तब प्रति एकांक समय में, ठीक है, देखो यांत्रिक शक्ति की परिभाषा अलग बताए थे कि किसी अभिकर्ता के द्वारा प्रति एकांक समय में जितना कार्य किया जाता है उसे उस अभिकर्ता की शक्ति कहते हैं। अब मैं वहां पर यांत्रिक शक्ति कहते हैं, वहां पर विद्युत ऊर्जा का उपभोग नहीं किया। क्या लड़का बताओ जमीन से छत पर गया, क्या हुआ विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहा है? नहीं, बताओ टमटम देखा है घोड़ा, तो टमटम पर 10 आदमी बैठ जाता है, बताओ घोड़ा किस करके ले जा रहा है, क्या उसमें बिजली खपत हो रही है, क्या वहां विद्युत ऊर्जा लग रहा है? नहीं, इसका मतलब वहां पर यांत्रिक शक्ति है। लेकिन ये जो विद्युतीय शक्ति का दिया, एक मतलब कि आ गया बिजली की बात, विद्युत धारा की बात, विद्युत ऊर्जा की बात। तब विद्युतीय उपकरण जैसे कहा कि एक बल्ब 60 वाट का है, होता है कौन करता है, दुकान में जाते हो कहता 100 वाट का बल्ब दीजिए, तो 100 वाट का बल्ब मतलब क्या हो गया? एक मतलब तुमसे दुकानदार पूछे कि बताओ आप तुम पढ़े लिखे हो, तो 100 वाट का बल्ब का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर तो 1 वाट का मतलब समझाए थे, लेकिन वो यांत्रिक शक्ति की बात था, और यहाँ पर कहता है विद्युतीय शक्ति, दोनों अंतर समझना है। यहाँ पर हमने तब ये बोलेंगे कि 60 वाट का बल्ब है और 1 वाट का मतलब कितना होगा, यहाँ पर उसको समझाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर उपकरण की शक्ति निकालना हो तो यही कहते हैं कि विद्युतीय यानी उपकरण की शक्ति, विद्युतीय उपकरण की शक्ति। तो यहाँ पर देखिए आप जो है फॉर्मूला बदल दीजिएगा, यानी P बराबर तब यहाँ पर कहेगा यानी उपकरण द्वारा, तो उपकरण द्वारा, ठीक है, उपभोक्त, ठीक है, उपभोक्त यानी लीजिएगा ऊर्जा, उपभोक्त ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं कितना यूज कर रहा है, ठीक है, तो उपकरण द्वारा उपभोक्त ऊर्जा आप प्लस मत क्या करना है, तो उतना उपभोग करने में कितना समय लिया, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं लिया गया समय मैंने कितना देर जो है आपने उपकरण को चलाया है, तो यही कहते हैं कि लिया गया समय। तो देखा जाए ये बताए दोनों में अंतर हो गया कि नहीं, वह था यांत्रिक शक्ति, आइए बताए विद्युतीय शक्ति। तो यहाँ पर जब बल्ब का, पंखा का, हीटर की शक्ति कहेगा, देखकर मतलब ये देखना है तो प्रति सेकेंड कितना ऊर्जा उपभोग कर रहा है, प्रति सेकेंड कितना ऊर्जा की खपत कर रहा है। तो ये मापने में किसका इस्तेमाल करोगे, तब मीटर का प्रयोग करेंगे, याद रखना है किसका प्रयोग करेंगे, मीटर का प्रयोग करेंगे। अब मीटर की सहायता से हम बता देंगे कि ये हीटर प्रति सेकेंड कितना जूल ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। समझे हो, आप मानते हैं कि 10 बल्बे है, अब बताओ 10 बल्ब 5 घंटा तक चला है, अब 5 घंटा में कितना वो बल्ब ऊर्जा का उपभोग किया, ये समझिए आपने मीटर से माप सकते हैं। आप मीटर से माप लिया तो वही समझिए कि हो गया पांचों बल्ब की शक्ति, पांचों बल्ब की शक्ति हो गया। तो एक हो गया देखा जाए यांत्रिक शक्ति, एक हो गया विद्युतीय शक्ति, दोनों में अंतर समझ गया। आप देखिए विद्युतीय जो शक्ति होती है तो वो विद्युतीय शक्ति में देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। आप देखिए अगर तुमसे मान लेते हैं कि अगर निकालने कहता है, ठीक है ना, जा देखिए सभी लड़के हैं, अब क्वेश्चन जो आप लोग चैप्टर में दिया है उसको जब बना ही रहे आप लोग, अब यहां से कहे कि उपकरण द्वारा, ठीक है, कहे कि 5 घंटा में कितना ऊर्जा का यूज किया, तो
द्वितीय उपकरण द्वारा यानी उपभोक्त उपभोक्त मन इस्तेमाल है तो उपभोक्त किया गया ठीक है उपभोक्त किया गया यानी ऊर्जा तो उपभोक्त किया गया ऊर्जा जो गया समझे विद्युत उपकरण द्वारा उपभोक्त किया गया ऊर्जा अगर निकालना है तो जैसे बताइए यहाँ शक्ति से सिर्फ गुना कर दो है तब यहाँ पर कहा देखा जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि सबसे पहले उपकरण की शक्ति लीजिएगा और उपकरण की शक्ति में देखा जाए समय अंतराल से यानी गुना कर देना है समय अंतराल से क्या करना है गुना कर देना है और यही जो फॉर्मूला लगा करके आप निकालिएगा कि एक बल्ब की शक्ति कितना है हीटर की शक्ति कितना है तो ये देखना है शक्ति अगर मालूम हो गया जैसे कि आपने बोला कि सर ये 60 वाट का बल्ब है तो 60 वाट है बल्ब नहीं बोल दिया क्वेश्चन में कि बल्ब का शक्ति कितना है 60 वाट है और एक घंटा चलाया है 5 घंटा अब कहना तो बताओ कितना ऊर्जा यूज किया तो कितना ऊर्जा यूज किया तो ये फॉर्मूला मैंने आप अपनाइए ठीक है और ये तो जान ही रहे हो कि समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है क्या होता है सेकंड अगर मानते हैं किलोवाट मिल जाना है तो वहां पर उसको घंटा में छोड़ दीजिए अगर वाट मिलाना है तो फिर सेकंड में लाइए अब इसमें से अगले दिन जो है तुम लोग का इस तरह का प्रॉब्लम लेकर के आएंगे यानी मीटर लेकर के आएंगे तब तक आप लोग खुद भी बना सकते हैं किताब खोलिए और मीटर स्टार्ट कर दीजिए आज से ठीक है उसके बाद फिर अगले क्लास में आएंगे तो फिर अगला दिन उन्होंने और कुछ बात बताएंगे भी और अच्छी अच्छी बात बताएंगे बिजली का बिल कैसे निकालोगे आपके यहाँ बिजली का बिल आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है आप गार्जियन का कैसे हेल्प करेंगे ये सारा बातें जो है आप लोग के अगले वीडियो में हम भेजेंगे या अगले लाइव क्लास में जब आएगी तो आप लोग को समझाएंगे कि कैसे बिजली का बिल निकालेगा ठीक है क्लास रहता है सभी बच्चों को गुड नाइट लेकिन गुड नाइट से पूर्व पहले ये बोल दें कि अब तक जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं वे बच्चों का एक काम रहते हैं कहा सकते वो और बच्चों को अपने दोस्तों को ये बात शेयर करें कि क्लास लाइव चलते हैं और उसमें और बच्चों को जोड़ने का काम करें ताकि और बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सके और चैनल को सब्सक्राइब भी करें आपकी प्रकृति को महसूस कर सके कमेंट्स भी कीजिए जो ना समझ में आते हैं ठीक है ना थैंक यू गुड नाइट